हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एम एस एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं, मतलब स्मार्टली अटेंडेंस शीट हम एम एस एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में ये सीखना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह एक्सेल में कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर एक्सेल प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर भी आपको एक्सेल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके और भी एक्सेल के वीडियोस देख सकते हैं और अपनी एक्सेल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। रोल नंबर लिखें और यहाँ पर नाम लिखें, मतलब इतना हमने पहले से लिखा है, ये आपको तो इतना लिख लेना है। जो भी रोल नंबर हो, नाम हो, वो आप लिख लें। अगर आप एम्प्लॉय का बना रहे हैं तो आप एम्प्लॉय आईडी हो तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नाम उस तरह में लिख सकते हैं। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑफिस का बना रहे हैं या स्कूल या कॉलेजेस का बना रहे हैं। तो ये तो हो गया सिंपल कि नाम, रोल नंबर लिखना हो गया और यहाँ पर नाम लिखना होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर में क्या आता है, डेट आता है। जैसे मान लीजिए हमें अगस्त का ही बनाना है तो यहाँ पर अगस्त की डेट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं, 01, और यहाँ पर 08, और यहाँ पर 2020। तो ये हो गया यहाँ पर अगस्त की डेट। पर यहाँ पर पूरी डेट हमें नहीं लाना, हमें क्या लाना है यहाँ पर 1, 2, 3, इस तरह हमें सीरियल वाइज लाना है। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक रखना है, मतलब जो हमारा यहाँ पर सलेक्शन है यहाँ पर हमें सलेक्शन रखे रहना है और यहाँ पर आना है जहाँ पर नंबर फॉर्मेट है, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं या Ctrl+1 प्रेस करके भी आप नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपको आना है यहाँ पर कस्टम पर आना है। यहाँ पर आएंगे तो इसके बाद यहाँ पर कस्टम में आना है। कस्टम में आने के बाद यहाँ पर आपको ये सब हटा देना, आपको खाली यहाँ पर क्या रखना है, DD रखना है। तो यहाँ पर DD हमने रखा और यहाँ पर ओके कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर 01 आ गया। अब हमें इसको कहाँ तक ले जाना है, वहाँ तक हमें ड्रैग कर देना है। तो हमें कहाँ तक ले जाना है, अगस्त में 30 दिन रुकते हैं तो हम 30 तक ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया, 30 तक हमारा पूरा ड्रैग हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर हमें क्या लाना है, डे के नाम लाना है। तो डेज के नाम लाने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा, मतलब ऐसे आपको बार बार देखना होगा कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है। इसमें आपको एक फॉर्मूला लगा देना है जिससे आपको वहाँ पर डेज ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल साइन आपको लिखना है, टेक्स फॉर्मूला ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, वैल्यू। वैल्यू में हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है जो यहाँ पर सीरियल नंबर था, 01 वाला डेट हमने लिया था, इसको सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा फॉर्मेट टेस्ट, यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार DD लिख देना है। यहाँ पर ध्यान दें, 3 बार DD आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप 4 बार लिखते हैं तो यहाँ पर फुल नाम आएगा, 3 बार आप लिखेंगे तो यहाँ पर 3 लेटर वाला नाम आएगा, मतलब जो नाम आएगा वो 3 अक्षरों का यहाँ पर आएगा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 तारीख को कौन सा दिन था, सैटरडे, मतलब शनिवार है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर हम ड्रैग कर देते हैं, 30 तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो ये हमारा पूरा यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ पर डेज हमारे यहाँ पर आ गए, ये पूरा हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मतलब इतना हमारा हो गया जहाँ पर हमारे यहाँ पर नंबर हो गए, सीरियल नंबर, और यहाँ पर डेज हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, प्रेजेंट एब्सेंट हमें लाना है। प्रेजेंट एब्सेंट लाने के लिए यहाँ पर आपको इतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है, मतलब ये जो इतना एरिया है ये एरिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक, अगर आप चाहें प्रेजेंट एब्सेंट लीव हॉलीडेज आप लिख भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें कहाँ पर आना है, हमें आना है यहाँ पर डेटा टैब में। कहाँ पर आना है, डेटा टैब में आना है। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पर आना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको आना है लिस्ट ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको दे देना है हमें यहाँ पर क्या क्या लिखना है। प्रेजेंट हमें लिखना रहेगा, एब्सेंट हमें लिखना रहेगा, लीव यहाँ पर लिखना है। हमें 3 चीज़ें यहाँ पर देना है खाली, प्रेजेंट देना है, एब्सेंट देना है और लीव देना है, और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो इतने एरिया में अगर हम कहीं पर भी आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें शो कर रहा, प्रेजेंट का भी हमें यहाँ पर शो कर रहा, एब्सेंट का भी यहाँ पर हमें शो कर रहा और लीव का भी हमें यहाँ पर शो कर रहा। हमने प्रेजेंट देना था, प्रेजेंट सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन देना था तो ऑप्शन, लीव सेलेक्ट करना था तो यहाँ पर लीव। अब ये तो हमारा हो गया इतना कि हम प्रेजेंट दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पर संडे, ये तो हटा देते हैं संडे वाले में आके। अब जहाँ जहाँ संडे है उसे हमें अलग से वहाँ पर हाईलाइट भी करना होगा, जहाँ जहाँ पर संडे है मतलब वहाँ पर हमें उसे अलग से हाईलाइट भी करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं।
इसको स्क्रॉल कर लेते हैं इधर, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। पहला संडे हमारा कब है? 2 तारीख को। तो जहाँ पर संडे लिखा है इसको हमें फुल डेट लाना है। फुल डेट का मतलब यहाँ पर क्या, फुल हमें यहाँ पर नाम यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर 8 डी हम और बढ़ा देते हैं, तो आप देखें यहाँ पर फुल संडे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इस पूरी लाइन में लाना है। मतलब ये जो पूरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपके पास जितने भी नाम हो, हमने नाम यहाँ पर कम रखे हैं, उन सारे नाम में आपको यहाँ पर संडे ले आना है। फिर आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पर ध्यान दें, आपको आना है होम टैब में। कौन सा टैब? होम टैब में आना है। यहाँ पर आपको आना है मर्ज एंड सेंटर, इसको मर्ज कर देना। तो संडे हमारा इस तरह में आ रहा है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको वर्टिकल लिखना है। तो आप देखें यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्टिकल टेक्स्ट, और इसको बीच में ले आए सेंटर। साइज बढ़ा दें थोड़ा, बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, और यहाँ पर कलर हमने दे दिया येलो। तो आप देखें यहाँ पर संडे हमारा आ गया। अब यही संडे हमें सब में कॉपी करना है, मतलब जहाँ जहाँ संडे लिखा है वहाँ वहाँ हमें इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी यहाँ पे किया, दूसरा संडे कहाँ पर है? 9 तारीख में, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पर आए 16 में, फिर यहाँ पर कॉपी, फिर 23, फिर यहाँ पर कॉपी कर दिया हमने 23 के बाद, यहाँ पर 30 को, फिर यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो संडे हमारा आ गया। ये जो सिलेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है, कहीं पर भी आप बाहर क्लिक करें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें, तो ये सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो इतना हमारा हो गया कि हमारा संडे यहाँ पर आ गया, डेज नाम आ गए, सीरियल नंबर जो हमें देना था वो हमारा आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन रो और कॉलम को एडजस्ट भी करना है, मतलब जो साइज है इसको भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। अभी हम देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारे सामने आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, हमें थोड़ा सा एडजस्ट भी करना है। एडजस्ट करना हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह में आपको सेलेक्ट करना है। जितना भी डेटाबेस हो, 30 तक है या 31 तक है, जो भी आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आप लगा सकते हैं ऑटो फिट कॉलम विथ। तो जैसे ही आप ऑटो फिट कॉलम एक लगाएंगे, तो जिस हिसाब से हमारा डेटा होगा उस हिसाब से हमारा पूरा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। मतलब जितना वहाँ पर स्पेस लेना होगा उतना स्पेस ये ऑटोमेटिक वहाँ पर ले लेगा। आप इससे भी दे सकते हैं, या दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर आएँ फॉर्मेट में और कॉलम विथ। जैसे मान लीजिए इतना डेटा बेस है, तो हमें यहाँ पर जो कॉलम विथ देना है 4.5 देना है, 4.5। ओके कर देते हैं। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस आता है इसमें, हमारे सारे साइज बराबर होते हैं। मतलब जो हमारे इन कॉलम के साइज आप देखेंगे, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, जहाँ बराबर होंगे। जबकि उसमें क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा है कि आप कॉलम विथ यहाँ से आए तो पूरा बराबर आएगा। अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह भी आपने स्कूल में देखे होंगे, कॉलेजेस में देखे होंगे, ऑफिस में भी आप देखते, तो वहाँ पर जो कॉलम साइज होता है, रो साइज होता है, एकदम सब में बराबर होता है, ये नहीं किसी में कम ज़्यादा हो। तो ये इतना हमारा हो गया कि यहाँ पर हमारे नेम हो गए, नेम के बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पर डेज हो गए, और यहाँ पर नंबर हो गया। तो मेनली हमारा इतना हो गया। इतने एरिया में बॉर्डर लगा देना है, सेलेक्ट करना है इतना, और यहाँ पे आपको आना है बॉर्डर पर, यहाँ पर ऑल बॉर्डर, आपको यहाँ पर बॉर्डर लगा देना है। तो ये सब में बॉर्डर हमारा आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, प्रेजेंट आपको लिखना होगा, एब्सेंट लिखना होगा, लीव लिखना होगा। मतलब तीनों हमें ये भी तो निकालना है कि कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, और कितने दिन लीव। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट पहले लिख देते हैं। प्रेजेंट यहाँ पर लिखा हमने, फिर यहाँ पर एब्सेंट, और फिर यहाँ पर लीव। ये तीनों हमारे यहाँ पर आ गए, प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, लीव। फिर यहाँ पर भी बॉर्डर लगा देते हैं, सेलेक्ट किया और यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखें, थोड़ा जूम इन यहाँ पर कम कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देखें नाम आ गए, नाम के बाद यहाँ पर डेज हो गए, डेज नंबरिंग हो गई, संडे हमें हाईलाइट करना था वो हमारा हाईलाइट हो गया। अब हमें यहाँ पर खाली प्रेजेंट एब्सेंट लिखना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक आना चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब है जितने दिन प्रेजेंट हो वो प्रेजेंट यहाँ पर काउंट होकर आ गए, जितने एब्सेंट हो एब्सेंट यहाँ पर काउंट होकर आ गए, और जितने दिन यहाँ पर लीव हो वो लीव यहाँ पर काउंट होकर आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा सीट नंबर 2 पर। क्यों आना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर डेटा हमारा फिलअप नहीं है सीट नंबर 2 में, हमने डेटा यहाँ पर फिल करके रखा है। मतलब यहाँ पर आते हैं सीट नंबर 2 पर, यहाँ पर डेटा हमारा पूरा फिलअप है। यहाँ पर फॉर्मूले भी लगे हैं, इन फॉर्मूले को हटा देते हैं और दोबारा से यहाँ पर फॉर्मूले लगाते हैं। आते हैं इस वाली सेल में,
दोस्तों इस सेल पर आए, तो इस सेल पर हमें क्या लगाना है, काउंटिंग फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। कौन सा फार्मूला? काउंटिंग फार्मूला। काउंटिंग फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काउंटिंग फार्मूला हमारा कैसे काम करता है। काउंटिंग फार्मूला में हम कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन से मतलब यहाँ पर क्या है कि हम काउंट करा सकते हैं कि यहाँ पर कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एबसेंट है, कितने दिन लीव है। तो यहाँ पर चलिए लगाते हैं काउंटिंग फार्मूला। तो इक्वल साइन यहाँ पर लिखना है काउंटिंग। काउंटिंग लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। जैसे आप ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है रेंज, दूसरा आता है क्राइटेरिया। तो रेंज में आपको जो भी डेटा हो वो डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा रेंज कहाँ से था? यहाँ से। इसको यहाँ पर आना है और इस तरह में एरो बन के आएगा। इसको आप ड्रैग कर दें कहाँ तक? यहाँ तक कि हमारी रेंज थी 30 तक। तो यहाँ तक हमने इसको यहाँ ड्रैग कर दिया। फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें क्या काउंट करना है? प्रेजेंट काउंट करना है यहाँ पर। तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर लिख दिया पी। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद और यहाँ पर एंटर कर देना। तो यहाँ पर ये यह हमारा प्रेजेंट आ गया। फिर आपको इसको सब में ड्रैग कर देना। इस तरह में सब में ड्रैग कर देंगे तो आप देखें यहाँ पर प्रेजेंट आ जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट, मतलब सबका प्रेजेंट यहाँ पर निकल के आ जाता है। इसी तरह हमें यहाँ पर एबसेंट भी निकालना है। उसके लिए भी हमें यहाँ पर इक्वल साइन यहाँ पर काउंटिफ लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे क्या देना है? रेंज। फिर से हम यहाँ पर रेंज दे देते हैं। फिर से हमने यहाँ पर रेंज दे दिया। यहाँ पर रेंज के बाद फिर यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे क्या लिख देना है? ए लिख देना है। इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देना है। फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर फुल डे यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। और इसको सब में ड्रैग कर दें तो ये आप देखें यहाँ पर सबकी एबसेंट यहाँ पर निकल के आ जाती है। फिर यहाँ पर आते हैं लीव पर। फिर यहाँ पर आते हैं इक्वल साइन और यहाँ पर काउंटिफ लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। फिर यहाँ पर रेंज, फिर से यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर एल। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर भी 0 आ रहा और इसको सब में ड्रैग कर देते तो आप देखें यहाँ पर लीव निकल के आ जाती है। मतलब इस तरह में आप प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इनमें से हम किसी में कम या ज़्यादा करते हैं, जैसे यहाँ पर है प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लीजिए एब्सेंट कर दिया, तो आप तुरंत देखें यहाँ पर क्या चेंजेस हो जाता है। यहाँ पर 15 दिन, यहाँ पर 8 दिन, यहाँ पर 2, मतलब जहाँ पर हमारा चेंजेस था प्रेजेंट एब्सेंट में चेंज हुआ तो उसमें चेंज हो गया। मान लीजिए कहीं पर हमने यहाँ पर लीव बढ़ा दी, हमने यहाँ पर एल लिखा, तो यहाँ पर आप देखें एल यहाँ पर आ जाता है, मतलब लीव यहाँ पर बढ़ गई। तो इस तरह में ये हमारा अटेंडेंस रजिस्टर काम करता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करता है कि आप जैसे कि वहाँ पर प्रेजेंट लिखेंगे, एब्सेंट लिखेंगे और फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको काउंट करके बता देगा कितने दिन वहाँ पर प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है और कितने दिन वहाँ पर लीव है, छुट्टियाँ हैं या कितने दिन वहाँ पर हॉलीडेज है, वो हमारा वहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।